हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आज हम बात करेंगे पोलैंड के अपॉइंटमेंट के बारे में, कि इसमें जो काफ़ी भाइयों को मेरे ये डाउट है कि अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो भी स्कैमर का प्रॉब्लम हो रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक और नई वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी है, सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे पोलैंड की अपॉइंटमेंट के बारे में, कि जो भी काफ़ी मेरे भाइयों को ये डाउट है कि पोलैंड के अपॉइंटमेंट रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कितने अपॉइंटमेंट पर वीक रिलीज होते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि काफ़ी मेरे को मैसेज और कॉल भी आ चुकी है ये बारे में। एक बहुत से लोगों को ये क्वायरी थी कि भाई अपॉइंटमेंट ओपन हो रहे हैं क्या, पर वीकली कितने हो रहे हैं, और इसमें अपॉइंटमेंट में किसी का अपॉइंटमेंट यानी कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। काफी मेरे भाई है जो साउथ साइड में भी, ऐसा नहीं है कि साउथ साइड में ओपन नहीं हो रहा, साउथ साइड में भी है तो अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। और अभी बीच में रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, मेरे को केरला से मेरे भाई का एक फोन आया था, तो वो भी यही बात बताने लगा कि मेरे हम लोग है तो 4 फ्रेंड लोग ने अप्लाई किए थे, तो उसमें से हम 2 लोगों को अपॉइंटमेंट रिलीज में आ गया नाम, उनका 2nd वीक में नाम आ गया था साउथ में। तो ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे, अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। तो बस आपको इसमें एक ही काम करना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि मेन जो मेन प्रॉब्लम था VFS के साथ चल रहा था, तो क्योंकि VFS में आपको ही पता है कि एक वर्क परमिट एजेंट रिलीज कर रहा था एक परमिट पे, वो एडिट करके वो एक परमिट 4 लोगों दे रहे थे वर्क परमिट। तो उसमें जब VFS में जाता था तो ऑब्वियसली नॉर्मल बात है ये कि उसमें रिफ्यूजल ही आना है, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें रिफ्यूजल के इसलिए चांसेस नहीं है क्योंकि आप अपना वर्क परमिट पहले वेरीफाइड करते हो, वेरीफाइड करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन होता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको वीकली है, तो बस थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको 100% मैं बोलूंगा कि आपको चांसेस है, बस इतना है कि किसी का पहला है, किसी का बाद में है, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप बस थोड़ा पेशेंस रखो, आपका काम 100% हो जाएगा। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अभी स्कैम बहुत हो रहा है, तो स्कैम से थोड़ा बचे प्लीज, क्योंकि स्कैमर लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी 3 लोगों का मेरे को कॉल आया था अभी बीच में रिसेंटली 2-3 दिन में, तो वो सब लोग मेरे को एक ही बात बोले, उसमें से एक मेरा बांग्लादेश से था भाई और 2 मेरे पाकिस्तान से थे। तो ये भाई लोग ने मेरे को सिर्फ एक ही चीज बोले, कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, एजेंट हमारे से पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि आप 40,000 दो, 15,000 दो, 14,000 दो, 50,000 दो, 40 to 50,000 के हम आपका है, तो एक पर्टिकुलर एक कंफर्म डेट दे रहे हैं कि ये डेट का आपका अपॉइंटमेंट दिला देते। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, प्लीज अपने दिमाग में चीज डालिए कि स्कैम बहुत हो रहा है। पहले VFS था तो VFS में स्कैम हो रहा था, अब काउंसलर चालू हो गया है, ड्रॉ सिस्टम, तो अब इसमें भी स्कैम होना चालू हो गया है। तो ये चीज से बचे, इस चीजों में ना पड़े आप, क्योंकि जो आपके लक के ऊपर डिपेंड है, ये सिर्फ आपका लक है तो आपको जल्दी मिल जाएगा, आपका थोड़ा सा लक आपका साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन मिल जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखे, जो मेरे भाई अभी 4-5 महीना 6 महीने से वेट कर रहे थे वो ड्रॉ सिस्टम में, और 2-3 महीना वेट कर लो, आपका आ जाएगा। घाई करके अपना फाइल कैंसिलेशन में मत डाले और कोई भी गलत कदम ना उठाए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका जैसा नॉर्थ साइड में तो काफी अपॉइंटमेंट निकल रहे हैं, और साउथ साइड की बात करूँ तो साउथ साइड में नॉर्थ के मुकाबले थोड़ा कम है अपॉइंटमेंट, लेकिन पर वीकली फिर भी है तो 180 टू 200 बोल रहे हैं काउंसलर से कि 180 टू 200 कि हम रिलीज कर रहे हैं करके अपॉइंटमेंट। तो अब ये कितना जेन्युइन है क्या है, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, तो ये चीज आपको धीरे धीरे करके वीजा रेशियो, जैसा अभी ये महीना जाएगा नेक्स्ट मंथ अपने को पता चलेगा कि वीजा रेशियो क्या चल रहे हैं पोलैंड के, और क्लियर मैं भी आपको बता पाऊंगा कि वीजा रेशियो कैसे है और कितने चांसेस है वीजा लगने के, ये चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा।
और अभी जैसा भी ये नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है तो इसमें साउथ का क्या रिजल्ट आता है मैं वो भी चीज आपके साथ बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने एक फ्रेंड का भी एप्लीकेशन करके रखा हूँ तो उसका अपडेट मुझे ही आता है, तो मैं बताऊंगा उसका भी क्या अपडेट आ रहा है, मैं वो भी आपके साथ में डिटेल शेयर करूंगा। और पोलैंड के रिलेटेड, वर्क वीजे के रिलेटेड, जैसा नेशनल वीजा या डी वीजे के रिलेटेड जो भी चीज क्वायरी है आप मेरे से पूछ सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा। और जैसे भी इसमें मेरे को नई नई अपडेट पता चलेगी मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट थर्सडे के बाद में मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या रिजल्ट आए हैं, कितने अपॉइंटमेंट रिलीज हुए और कितना सक्सेस स्टोरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।